देश भर में आज कोरोना के नए मामलों में भारी उछाल आया है। ताजा जानकारी के मुताबिक पिछले 24 घंटे के दौरान देश भर में 5,233 नए केस दर्ज किए गए। बीते दिन 3,714 मामले सामने आए थे। इस लिहाज से देखा जाए तो आज कोरोना के नए मामलों में लगभग 41% का उछाल आया है। वहीं पिछले 24 घंटे में कोरोना की वजह से 7 लोगों की मौत हुई। अब तक कुल 4,31,90,282 केस सामने आए हैं। सक्रिय मामलों की बात करें तो उनकी संख्या 28,857 है। अब तक कोरोना से कुल 4,26,36,710 लोग ठीक हुए हैं। पिछले 24 घंटे में 3,345 लोग ठीक हुए हैं। देश भर में अब तक कोरोना के कारण 5,24,715 लोग जान गंवा चुके हैं। राष्ट्रव्यापी वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत देश भर में 194.43 करोड़ वैक्सीन की खुराक दी जा चुकी है। आपको बता दें कि भारत में कोरोना के वैक्सीनेशन प्रोग्राम के तहत अब तक 193.83 करोड़ से अधिक डोज लगाई जा चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना वैक्सीन की 11,67,037 डोज लगाई गई है। देश में 7 अगस्त 2020 को कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों की संख्या 20 लाख, 23 अगस्त 2020 को 30 लाख और 5 सितंबर 2020 को 40 लाख से अधिक हो गई थी। We'll be right back.